गिव अवे करने वाला हूँ। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बताओ। दोनों ने खा लिया यार, बुक्कड़ कहेंगे। मतलब पचपेड़ा और दिया का था मैच, तो पचपेड़ा जीत गया। वेरी गुड। नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रही है, तो आने वाले 5 सालों के अंदर पता नहीं क्या हाल होगा। फिर से मैं अल्मोड़ा सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, और गाइज इट्स गोना बी क्रेजी, एकदम तवाई ब्लॉग। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अम्मू ब्लॉग्स में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम कहीं घूमने जाने वाले नहीं है। हम घर पे ही शूट करेंगे, जितना भी होगा हमारा रूटीन घर का, कि हम क्या करते हैं दिन भर, और आपको दिखाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी देखना वीडियो। और मैं आज आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने आज सारा जितना भी दूध था, दूध आता है हमारे यहाँ, मैंने सारा दूध जला दिया, और भी उस बर्तन की भी हालत ख़राब हुई, उस गैस की भी हालत ख़राब हुई। और मेरे को मम्मी से बहुत डर लग रहा था कि मम्मी मुझे डांटेंगी, लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, बस पूछा कि दूध कैसे जला, तो मैंने उनको बता दिया। तो कभी कभी हो जाता है यार। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मम्मी से पूछती हूँ क्या कर रहे हैं मम्मी। बोला खा रहे हो ना? मैंने खा लिया। तो मम्मी ये बताओ, वो दूध जला तो आपको कितनी गुस्सा आई थी? गुस्सा नहीं आई, 3:30 बजे उठी मैं, और मेरे बस वो आई तो मैं किचन खोली जा रही थी, बस किचन का तुरंत पानी डाल दिया। अब देखा फिर से तो आई दूध, उधर उधर देखा दूध, देख रही सुबह के लिए सारी सब्जी खाने। चलो अच्छा ये बताओ, जले हुए जो बर्तन साफ कर रहे थे आप, तो आपको सच्ची बताना गुस्सा आ रही थी कि नहीं आ रही थी? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। गुस्सा तो निकल नहीं रहा, पत्ता चाकू मार के निकल। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो फ्रेंड्स, आपने व्लॉग की स्टार्टिंग तो देखी ली होगी, आज भी शिवानी ने करी थी व्लॉग की स्टार्टिंग। और गाइज, अब हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि साथ निभाने के लिए मेरी वाइफ आ गई है ना। और फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने कमेंट भी करा था कि आप डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो गाइज हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि हम डेली व्लॉगिंग आपको दे सकें। अगर गाइज गैप होगा तो 1-2 दिन का ही होगा गैप, व्लॉग तो आप रेगुलर लाते ही रहेंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि कुछ दिनों के बाद मैं गिव अवे करने वाला हूं। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो गाइज मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और मैसेज करें, और इंस्टाग्राम आईडी मेरी आ रही होगी डिस्प्ले में। इंस्टाग्राम में गाइज मैसेज करने का मतलब पार्टिसिपेट लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा और आप अंडर पार्टिसिपेट हो जाओगे। और फ्रेंड्स, ये पार्टिसिपेट खाली 10 तारीख तक होगा, 10 तारीख के बाद ये पार्टिसिपेट बंद हो जाएगा, और फिर गाइज उसके बाद जो करना क्या है वो आपको मैं 10 तारीख के बाद ही बताऊँगा कि गिव अवे आप कैसे जीतोगे। इस गिव अवे में मैं 2 विनर बनाऊंगा, और गाइज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइज आप लोग एक्साइटेड हो तो पार्टिसिपेट करो जल्दी जल्दी, और मुझे इंस्टा में मैसेज करो। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें रखते हैं साइड में, और पहले हम खाते हैं खाना। तुमने खा लिया? हाँ। मम्मी ने? तुमने खा लिया? बताओ दोनों ने खा लिया यार, बुक्कड़ कहेंगे। टाइम दे रहा है इतना, बज गया 1:01। हाँ तो वेट करना चाहिए ना मेरा। हाँ तो धीरे से वेट कर। फ्रेंड्स आप बताना 1 बजे कौन सा टाइम होता है खाना खाने का? हाँ करना चाहिए, खाना तो खा लिया गाइस, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा खटीमा। खटीमा क्यों जाएंगे? का सामान लेने के लिए, क्योंकि दिन ने अभी कॉल करा, मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का। हमारा आज घर पे प्लान था कि हम आज घर पे वीडियो शूट करेंगे, लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि दी का सामान लेने जाना है, और ये कल जा रहे हैं वहाँ अल्मोड़ा दी को सामान देने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ, तो ये शायद ये पहली राइड होगी मेरी अल्मोड़ा की, वो भी बाइक से, तो फिर बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस मैं भी। दुआ करना, प्रेयर करना कि उनकी जर्नी सेफ हो और ये अच्छे से आए, अच्छे से आए। तो फ्रेंड्स हम होते हैं रेडी और चलते हैं खटीमा, और देखते हैं क्या सामान लेना है। चलें, चलो शॉपिंग करा देना थोड़ी बहुत। क्या करा देना? शॉपिंग करा देना। फिर से बोलना। शॉपिंग सुनाई नहीं दे रहा। शॉपिंग शॉपिंग अच्छा, कपड़े नहीं लिए। अच्छा अलमारी खोलना जरा, साड़ी भरी पड़ी है उसमें। तो और क्या चाहिए तुम्हें? जीन्स पैंट पहनोगे अब? पागल हो गए हो ना बबना, ना बबना। स्टॉप तो पहनूंगी। हालत देख रहे हो अपनी? हालत देख रहे हो? पहले टाइम आने वाला है जींस टॉप पहनने का, वो तो पहनूंगी। अच्छा करा दो यार, सॉरी दोबारा बाद में।
तो गाइस हम हो गए हैं रेडी। ये देखो इनका मन नहीं है जाने का, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है, जाना है नहीं जाना। खटी में और मम्मी शिवानी तो चले गई है मार्केट करने, बट गाइस मैं नहीं गया उनके साथ क्योंकि मुझे सोमवीर दा की दुकान में जाना है अपना हेलमेट लेने, क्योंकि मेरा हेलमेट 2 हफ्ते हो गए वहीं पे पड़ा है मेरा हेलमेट सोमवीर दा की दुकान में, तो वहाँ पे जाता हूँ गाइस मैं फटाफट और हेलमेट लेते हैं पहले तो। दा नमस्ते। तो फ्रेंड्स मैंने हेलमेट भी ले लिया था सुमिरदा की दुकान से और ये लोग भी आ गए मम्मी और शिवानी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूरे खटीमा में ना पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं है भाई। अभी जब नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रही है तो आने वाले 5 सालों के अंदर पता नहीं क्या हाल होगा। तो फिर मैं आपको गाइस ये सजेशन देना चाहता हूँ कि एक कंपनी है बीटर, उसमें हमने शेयर खरीद रखे हैं और वो बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, इलेक्ट्रिक बेसिस के ऊपर कंपनी है। अगर आप भी गाइस उसके शेयर खरीदना चाहते हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं प्रशांत जीजू का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रशांत जीजू से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बानूसी पेट्रोल पंप, यहाँ पे मिला यार पेट्रोल, यहाँ पे भीड़ कितनी है यार। तो फ्रेंड्स हमने पेट्रोल भरवा लिया और अभी हम जा रहे हैं पूजा जी को लेने, मतलब बुआ की लड़की को लेने, क्योंकि उसका भी कुछ काम है वो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो पहले उसको लेने चलते हैं फिर जाएंगे हम सीधे घर। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे बुआ के घर और गाइस मेरा भाई है ये देखो, और भाई इसकी हालत देखो, अभी खेल कर आ रहा है वॉलीबॉल। किसका मैच सर है, कौन से गांव का? बानूसा पचवाड़ा, मतलब बानूसा पचवाड़ा तो एक में आता है ना, ग्राम सभा। हाँ ग्राम सभा एक ही है, मतलब पचपेड़ा और दिया का था मैच तो पचपेड़ा जीत गई, वेरी गुड। No. अरे 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 नो, चिकन खाएगी चिकन। अजा 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 अजा। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे घर और गए, जब हम घर पहुंचते हैं ना जैसे ही तो ब्रूनो बिल्कुल सैड मिलती है, जैसे ही हम आते हैं थोड़ी देर के बाद ये लूसी के साथ खेलने लग जाती है, देख रहे हो। तो इसको केयर करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 2-4 दिन से तो इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं निकल जा रहे हैं, मार्केट चले आ रहे हैं, सिजारों के यहाँ पे चले आ रहे हैं। आजा और फ्रेंड्स अभी बना रही है मेरा बच्चा खाना। खाना बना रही हो? क्या बनाओगे? चिकन। तो फ्रेंड्स आज हमारे घर चिकन बन रहा है और अरबी की सब्जी बन रही है, क्योंकि कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो 2 सब्जी बनती है हमारे घर। ये देखो अरबी भी है और चिकन भी वहाँ पे रखा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मुझे जाना है कल अल्मोड़ा, तो मुझे धुलनी पड़ेगी अपनी बाइक, अपनी बाइक की हालत दिखाता हूँ। ये देखो गाइस मेरी बाइक की हालत, अभी इसको धुलनी पड़ेगी, बहुत मिट्टी लगी है, बहुत दिन से चलाई भी नहीं है मैंने अपनी बाइक, तो कल इसे ले जाना पड़ेगा अल्मोड़ा। तो फ्रेंड्स इसको धुलते हैं फटाफट से। हम सब लोगों ने खाना खा लिया है और देखते हैं हमारे हबी अगर क्या कर रहे हो किसके? बाबू भैया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बाबू भैया इनकी इंस्पिरेशन है और ये हमेशा इनके ही ब्लॉग देखते रहते हैं, जब देखो इनके ही ब्लॉग देखते रहते हैं मेरे फोन पे। आइडिया लगाई बाबू भैया, आइडिया लगेगा। तो फ्रेंड्स अब करते हैं व्लॉग एडिट और गाइस कल के लिए मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि कल हमें अल्मोड़ा जाना है, मतलब मुझे और पूजा दीदी को, बुआ की लड़की को। और फ्रेंड्स मैं अल्मोड़ा में भी शायद 2-3 दिन स्टे करके आऊँगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं अल्मोड़ा सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए और गाइस इट्स गोना बी क्रेजी, एकदम तबाही व्लॉग होने वाले हैं वहाँ के, तो आप इंजॉय करना। तो फ्रेंड्स अब करते हैं व्लॉग की एंडिंग। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ और अपना ख्याल रखना। सो बाय।